हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बटर चिकन। बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो जितना बोनलेस चिकन, और इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है मैंने, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए रख देंगे एक साइड में। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है और इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्राई करेंगे। मीडियम ब्राउन जितना इसे फ्राई करना है और इसके बाद हम इसे एक थाली के अंदर निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे। इसके बाद हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। 2 टेबलस्पून जितना बटर लिया है यहाँ पर मैंने, 2 चॉप्ड की हुई प्याज, 2 टमाटर स्लाइस किए हुए, 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 कप जितना काजू, अनसॉल्टेड काजू है ये, इसके अंदर नमक नहीं है, 2 टीस्पून जितना नमक, नमक कम या ज्यादा अपने पसंद के हिसाब से ऐड कर सकते हैं आप, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून जितना विनेगर सिरका, 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना कसूरी मेथी, 1 ग्लास पानी, 4 चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर कर देंगे जब तक कि इसके अंदर उबाल ना आ जाए तब तक। और जब टमाटर मैश होने लगे और ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाए तो हम इसे ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर लेंगे, इसे हम पीस लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट पीसना है इसे। इस तरह से हम इसे स्मूथ सा पीस लेंगे और इसके बाद हम इसे छान लेंगे। इस तरह से इसे हम सीव कर लेंगे। सीव करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इसका जो मसाला है वो बच जाएगा, जो टमाटर के छिलके वगैरह है सब कुछ। और यहाँ पर इसकी ग्रेवी हम एक साइड में रख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से लेंगे 2 टेबलस्पून जितना बटर, इसे हम गरम करेंगे और जो हमने ग्रेवी तैयार की थी सीव की हुई, इसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। हाफ कप जितना यहाँ पर क्रीम ऐड कर रही हूँ मैं, और जो चिकन हमने पहले से फ्राई करके रखा था उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गरम कर लेंगे। और ये है बटर चिकन का फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल रेडी है हमारा बटर चिकन। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।